भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला मोहाली के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए, जहां पर भारत के लिए स्टार बल्लेबाज हार्दिक पांड्या रहे। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम को करारा जवाब दिया। 19.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने न केवल इस लक्ष्य को चेस कर लिया बल्कि सीरीज में 1-0 की भी बढ़त बना ली। आपको बता दें इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के लिए आधी पारी में यानी कि 10 ओवर तक जहां कैमरून ग्रीन हीरो साबित रहे, वहीं मैच के अंत तक मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए सबसे बड़े हीरो रहे, जिन्होंने 21 गेंदों का सामना किया, 45 रन जड़े और टीम को मैच जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैथ्यू वेड ने अंतिम के ओवर में भुवनेश्वर कुमार को आड़े हाथों लिया और उनके खिलाफ लगातार रन बटोरते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैच जिता दिया। भारत इस मुकाबले में 200 रन बनाने के बावजूद भी हार गया और ऐसा भारतीय T20 क्रिकेट के इतिहास में दूसरी बार हो रहा है। मैथ्यू वेड की पारी की बात करें तो मैथ्यू वेड, जिन्होंने पिछले कई समय से ऑस्ट्रेलिया को निराश किया था अपनी बल्लेबाजी के चलते, इस मुकाबले में कोई कसर नहीं छोड़ी अपने फॉर्म को वापस हासिल करने में। मैथ्यू वेड ने आज इस मुकाबले में जैसे बल्लेबाजी करी, वो दर्शाता है कि T20 विश्व कप में एक बार फिर से वेड ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। मैथ्यू वेड ने आज 215 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी और आज मैथ्यू वेड का जवाब भारतीय गेंदबाजों के पास नहीं था। अगर मैथ्यू वेड इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहे तो वो इस पूरी सीरीज में टीम इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।